नमस्कार दोस्तों, आज नरसिंह भगवान की जयंती पर विशेष ये वीडियो। आज के दिन भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के अवतार लिया, जिसे नरसिंह कहते हैं। भगवान नरसिंह को सृष्टि के रचयिता से भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया था और उसका अहंकार भी दूर किया था। इस पर एक बड़ी ही प्रचलित कथा है, वो आप सभी जानते हैं और मैं आपको बता रहा हूं। प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप नामक एक ऋषि हैं, उनके दो पुत्र थे जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके पाताल लोक में ले गया, तब भगवान नारायण ने क्रोध में आकर वराह का रूप धारण करके उसका वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः शेषनाग के ऊपर स्थापित कर दिया। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया है, तब उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि अमरता का वरदान किसी को प्राप्त नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांग ले। तब उसने कहा कि मुझे कोई मानव ना मार सके, कोई पशु ना मार सके, ना ही मेरी मृत्यु दिन में हो, न रात में हो, न घर के भीतर हो, न बाहर हो, न धरती पर हो, न आकाश में हो, न किसी अस्त्र से हो, न किसी शस्त्र से हो। इस प्रकार उसने अहंकार में इतने सारे वरदान मांग लिए और फिर अपने आप को वह भगवान समझने लगा, हर जगह अत्याचार करने लगा, सभी लोगों को कष्ट देने लगा, सभी ऋषि मुनि उससे परेशान हो गए, वह लोगों को तरह तरह से कष्ट देने लगा। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, उसने भगवान विष्णु की बहुत भक्ति की, वह भगवान विष्णु का भक्त था, उसको भी उसने बहुत रोका, मारने की कोशिश करी, जल में गिराया, पर्वत से गिराया, सांपों से कटाया, विष पिलाया। लेकिन वह तो परम भागवत भगवान नारायण का भक्त था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से कहा, तेरा भगवान कहाँ है? अगर तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस स्तंभ पे भी होगा। ये कहने के बाद उसने स्तंभ पर प्रहार किया, तभी स्तंभ से भगवान नारायण प्रकट हो गए, आधा मानव और आधा सिंह का रूप धारण किए हुए, और उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और महल के दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने अपनी जांघों पर लिटाकर उसके सीने को खून से फाड़ दिया और जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया उस स्थान को बताते हुए कहा कि ना तो ये घर के अंदर है, ना बाहर है, ना अभी दिन है, ना रात है, संध्या कालीन है, और ना ही नरसिंह भगवान पूरे मानव थे, ना ही पशु थे, ना ही धरती पर मारा, ना ही आकाश में, बल्कि अपने जंघाओं पर रख करके मारा। मारते हुए ना अस्त्र और ना शस्त्र का प्रयोग किया, अपने नाखूनों से मारा। इसीलिए हिंदू धर्म में इसी दिन भगवान नरसिंह के रूप में मनाया जाता है, नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार इस दिन भगवान का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और नरसिंह भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। नरसिंह भगवान का व्रत मध्याह्न काल में व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संध्या काल जब सूरज ढलने का समय हो उस समय भगवान नरसिंह का लक्ष्मी के साथ में, माता लक्ष्मी के साथ में पूजन करना चाहिए। शाम के समय मंदिर में जाकर के या अपने घर के मंदिर में पूजा के लिए फूल आदि, चंदन, कपूर, रोली, कुमकुम आदि से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। कहते हैं भगवान नरसिंह
और माता लक्ष्मी का दूध से अभिषेक करने पर सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, धन लाभ होता है, नाग केसर चढ़ाने पर और उसके बाद उसे अपने अलमारी में या तिजोरी में रखने पर उसे धन धान की वृद्धि होती है। अगर कुंडली में काल सर्प योग है तो नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर के मोरक पंख को चढ़ाना चाहिए। और अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो भगवान नरसिंह को चंदन का लेप चढ़ाना चाहिए। किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, तो नरसिंह चतुर्थी चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह को दही का प्रसाद चढ़ाना चाहिए इस प्रकार। और भगवान नरसिंह से प्रार्थना करनी चाहिए, हिंदी में भी आप कर सकते हो, संस्कृत में भी कर सकते हैं आप। ओम नमो महानरसिंहाय सिंहाय सिंहमुखाय विकटाय वज्र दंत नखाय माम रक्ष रक्ष मम शरीरम नख शिखाम पर्यंतम रक्ष रक्षाम कुरु कुरु मदीयम शरीरम वज्रांगम कुरु कुरु परयंत्र परमंत्र परतंत्राणे क्षिणु क्षिणु खड़गादि धनुबाण अग्नि भुशुंडी आदि शस्त्राणाम इंद्रम वज्रादि ब्रह्मास्त्राणाम स्तंभ स्तंभ जलाग्नि मध्ये मम गृह मध्ये ग्राम मध्ये नगर मध्ये वन मध्ये रण मध्ये शमशान मध्ये रक्ष रक्ष राजद्वारे राजसभा मध्ये रक्ष रक्षाम कुरु कुरु भूत प्रेत पिशाच देव राक्षस यक्ष किन्नर राक्षस ब्रह्म राक्षस डाकनी साकनी मौजिन्यादि अविद्यम रक्षाम रक्षाम कुरु कुरु ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान नरसिंह से। और इस प्रकार ये नरसिंह जयंती मनाई जाती है। इस जयंती पर नरसिंह भगवान सभी प्रकार के कष्ट दुख दारिद्र का हरण करते हैं, सभी प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके आरोग्यता को प्रदान करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।